हेलो फ्रेंड्स, इंडियन फूड विद प्रिया में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी। तो देखते हैं कि खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए। खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए मैंने एक आम लिया है कच्चा, जिसे हम कच्ची कैरी भी बोलते हैं या कच्चा आम बोलिए, और धनिया लिया है जिसे मैंने अच्छे से धो लिया है और बारीक कट कर लिया है, एक मिर्ची, पुदीने के पत्ते इसे भी मैंने पानी से अच्छी तरह धो लिया है, लहसुन की कुछ कलियाँ, गुड़ का बूरा, जीरा, अजवाइन और नमक स्वाद के अनुसार। सबसे पहले हम आम को लेकर उसे अच्छे से छील लेंगे। तो इसका जो ऊपर का भाग है, चाकू की सहायता से इसको हम कट कर लेंगे। अब छलनी लेकर हम इसे अच्छे से छील लेंगे। इस तरीके से हम इसका छिलका निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने आम को अच्छे से छील लिया है। अब जो ये भाग आपको वाइट भाग ग्रीन भाग दिखाई दे रहा है थोड़ा थोड़ा, तो इसको हम चाकू से कट कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर अभी बीज बहुत बड़ा नहीं है, ये छोटा बीज है, अभी कच्चा है तो ये आसानी से अभी कट सकता है। तो हम उसको काट करके बीज को अलग कर देंगे। अब हम इस आम को छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए आम को मैंने छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। अब मैंने एक मिक्सर जार ले लिया है, उसके अंदर हम इन आम के टुकड़ों को डाल देंगे। इसके बाद मैं इसमें बारीक कटा हुआ धनिया डाल दूंगी, पुदीने के पत्ते डाल देंगे हम, अब मैं इसके अंदर जीरा डाल दूंगी आधा छोटा चम्मच, अजवाइन इसको भी आधा छोटा चम्मच, और हम मैं इसमें लहसुन की कुछ कलियाँ डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसे मत डालिए, अगर आपको पसंद नहीं है तो इसे भी छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे थोड़ा। अब मैं इसके अंदर नमक स्वाद के अनुसार डाल दूंगी। और मैं इसके अंदर डाल रही हूँ गुड़ का बूरा, जिससे हमारी चटनी बहुत ही स्वादिष्ट आएगी और खट्टी और मीठी दोनों टेस्ट इसमें आएगा। अब मैंने मिर्ची ले लिया है, इसे कट करके इसको भी डाल दूंगी। इसके अंदर अब मैं थोड़ा सा पानी डाल दे रही हूँ ताकि पीसने में आसानी हो। अब चटनी को हम बारीक पीस लेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी चटनी पीस कर तैयार हो गई है। अब मैं इसे एक बर्तन में निकाल लूँगी। फ्रेंड्स, ये हमारी खट्टी मीठी थोड़ी तीखी और चटपटी चटनी बनकर तैयार हो गई है। ये कुछ एक अलग तरीके की चटनी थी। आप इस तरीके की चटनी अपने घर पे बनाइए, बहुत ही टेस्टी आती है। आप इसे रोटी, पूड़ी, समोसा, कचौरी किसी के साथ भी सर्व करिए। और मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है आप मुझे कमेंट करके बताइए। लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।